गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में डलहौजी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो भारत का गवर्नर जनरल था। तो डलहौजी के कार्य और अन्य उपलब्धियां, क्या क्या इसने नीति लागू की थी, हड़प नीति को किस नाम से जानते हैं, क्या इसका शासनकाल था, उन तमाम चीज़ों के बारे में आज गहराई से हम चर्चा करने वाले हैं। तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था, सन 1848 से 56 तक ये भारत में गवर्नर जनरल बना था। और इसके बाद में लॉर्ड कैनिंग यहाँ का वायसराय भी था और गवर्नर जनरल था, तो 1857 का विद्रोह हुआ था और उसमें वो हम बाद में देखेंगे। पहले लॉर्ड डलहौजी की, तो इनके कार्य और विशेषताएं, लॉर्ड डलहौजी का कार्य और उपलब्धियां देखना। जो शासनकाल या कार्यकाल रहा है सन 1848 से 1856 तक, 1856। एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत में गवर्नर जनरल सबसे कम आयु में किसको नियुक्त किया गया था, तो उसका आंसर लॉर्ड डलहौजी होगा। डलहौजी जब ये गवर्नर जनरल बनकर आए थे भारत में, इनकी एज थी 36 ईयर्स। लेकिन कभी ये ऑप्शन में एक बार नहीं दिया गया, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तब लॉर्ड वेलेजली लगाएंगे। वेलेजली की आयु 37 ईयर्स, जिसने एक सहायक संधि की नीति चलाई थी। तो डलहौजी की गवर्नर जनरल बनते हुए आयु क्या थी, आयु मात्र 36 ईयर, 36 वर्ष की आयु थी, 36 वर्ष। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा डलहौजी, तो तब क्या लगाएंगे फिर हम आंसर, वेलेजली। कार्य क्या क्या थे, एक तो हड़प नीति है जो सबसे प्रमुख थी, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। तो पहले हम ये देखते हैं कि हड़प नीति को अन्य किस नाम से हम जानते हैं। हड़प नीति इसी का नाम आ जाएगा अपहरण की नीति। क्या होगा, अपहरण की नीति। इसी का नाम आ जाएगा व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत की नीति। मतलब हड़प लेना किसी चीज को। अच्छा, एक अपहरण की नीति, अपहरण हो गया, या गोद लेने का सिद्धांत। तो तीन तरह के उस टाइम पर सिद्धांत। अच्छा, एक इसमें आ जाएगा, इसी का नाम एनेक्सेशन थ्योरी का मतलब अधिग्रहण कर लेना, एनेक्सेशन थ्योरी। और इसे गोद लेने के सिद्धांत को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, DOCTRI, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये भी हो जाएंगे। तो ये सब किसके नाम हो जाएंगे, हड़प नीति। क्वेश्चन आता है हड़प नीति के तहत सबसे पहले डलहौजी ने किसको हड़पा था, तो सतारा को। सतारा कहां है, महाराष्ट्र में। और एक विलय की नीति थी, विलय की नीति में सबसे पहले सिक्किम और पंजाब को मिलाया गया था सन 1850 और 52 में। और एक अफगान के साथ, सॉरी बर्मा के साथ में युद्ध हुआ था, आंगला बर्मा युद्ध, इसमें पेंगू को मिलाया गया था। तो वो तीन क्षेत्र अलग हो जाएंगे हड़प नीति के तहत, 8 राज्य अलग। तो इसके नाम हो जाएंगे हड़प नीति के। पहले तीन प्रकार के राज्य हुआ करते थे, जो स्टेट थे कौन थे, 3 टाइप्स प्रांत, जो प्रांत थे। एक तो ऐसे प्रांत थे जिसमें जो राजा रजवाड़े होते थे वो स्वतंत्र होते थे, ना तो वो अंग्रेजों के अधीन थे और ना ही मुगल या मराठों के अधीन थे, उनको गोद लेने का अधिकार था, वो अपना गोद ले सकते थे। गोद लेने से मीनिंग क्या हुआ कि अगर वो अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे किसी वयस्क या अल्प वयस्क को, या फिर गोद ले सकते हैं किसी को, तो उसके नाम से संपत्ति कर सकते हैं। किसी राज्य का अगर नवाब बनना है और वो अंग्रेजों के या फिर मुगलों के या मराठों के अधीन नहीं, उनको टैक्स पे नहीं करता, वो तो गोद लेने का सिद्धांत लागू होता था उनके ऊपर। अच्छा, दूसरे स्टेट वो हुआ करते थे प्रांत जो मुगलों को या फिर मराठों को टैक्स देते थे, लेकिन वो अंग्रेजों के ही अधीन आते थे। गोद लेने के लिए अगर वो किसी बच्चे को गोद लेंगे या संपत्ति उनके नाम करेंगे या उनको अगला नवाब नियुक्त करेंगे, उन्हें अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ती थी, एक इनका आज्ञा पत्र होना चाहिए उनके पास। नंबर तीन वो प्रांत थे कि जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए प्रांत थे, इन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो जो हड़प नीति लागू थी वो तीसरे नंबर पर लागू थी। फर्स्ट, ऐसे प्रांत जो प्रांत या फिर रजवाड़े जो स्वतंत्र थे, स्वतंत्र रूप से, इन्हें गोद लेने की पूर्ण आजादी थी। सेकंड नंबर, ऐसे प्रांत या रजवाड़े वो या तो टैक्स किसे देते थे, मुगलों को, या तो मुगलों के अधीन थे या फिर मराठों को
टैक्स देना या राजस्व देना या कर देना, कर टैक्स कर देते थे। अगर ये इनको टैक्स देते थे इनको भी परमिशन लेनी पड़ती थी। तीसरे नंबर के होते थे कि जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए प्रांत थे, अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रांत, इन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था, ये गोद नहीं ले सकते थे, गोद नहीं, है ना। किसी अल्पवयस्क बच्चे को, जैसे झांसी की रानी जो थी, है ना, उनका अल्पवयस्क पुत्र था, या फिर अवध में अगर कहिए तो अवध में अंतिम जो नवाब हुए हैं, नवाब वाजिद अली शाह, उनका एक अल्पवयस्क पुत्र था बिरजिस कादिर। तो बिरजिस कादिर क्या वो बनेगा, क्योंकि उन्हें गोद लेने का अधिकार वहां पर नहीं था, है ना, ना वो बना सकते थे। एक टेनेंसी एक्ट भी लागू था, लेक्स लोकी कानून भी लागू था, या तो वो ईसाई धर्म अख्तियार करें, ईसाई धर्म ग्रहण करें, या फिर आधी संपत्ति या आधा साम्राज्य वो अंग्रेजों को सौंपे, ऐसे कुछ नियम बने हुए थे। तो ये जो हड़प नीति थी ये तीसरे नंबर पर लागू हुई थी। ऐसे राज्य जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित थे इन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था, ये किसी अपने रिश्तेदार को या अल्पवयस्क पुत्र को या दत्तक जो संपत्ति होगी वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो हड़प नीति तीसरे नंबर पर लागू थी। ये कहां कहां पर लागू थी इनके बारे में चर्चा करते हैं। इसे आप नोट करते रहिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा करना चाहें। आगे देखते हैं, आकाश जी आ रहा है समझ? हाँ। हड़प नीति में 8 राज्यों को हड़पा गया। नंबर 1 सतारा, ये सतारा कहां है? महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में आ जाएगा। सतारा कहां है? महाराष्ट्र। ये क्या था? सतारा। सेकंड नंबर आ जाएगा फिर, ये अगर देखें तो सन 1848 में इसको हड़प लिया था, ऊपर शासन का आरोप लगाया यहां पर, है ना। या ये तीसरे नंबर के राज्य में आएगा तो इसको हड़पने का प्रयास किया, तो शुरू में कौन सा? सतारा। नंबर 2 आ जाएगा यहां पर, जैतपुर या जैतपुरा, ये कहां है? मध्य प्रदेश में। इसको भी हड़पा गया, जैतपुर मध्य प्रदेश, जैतपुर। नंबर 3 पर आएगा फिर, 3 नंबर, संभल और संभलपुर अलग अलग हैं। संभल कहां है? उत्तर प्रदेश में, और संभलपुर कहां है? उड़ीसा में। ये कहां था? उड़ीसा। इसको हड़पा गया उड़ीसा को, तो संभलपुर किस में आएगा? यहां पर उड़ीसा, संभलपुर उड़ीसा में। नंबर 4 ये कहां जाएगा इसमें? उदयपुर कहां है? मध्य प्रदेश। देखना, उदयपुर और उदयपुर अलग अलग है, उदयपुर मध्य प्रदेश और उदयपुर ये राजस्थान में है, है ना, वहां पर महल बने हुए, तो उदयपुर किस में आएगा? मध्य प्रदेश, उदयपुर। स्पेलिंग दोनों की अलग अलग है ना, वो कौन सा है? उदयपुर, उदय उदयपुर। ये कहां? उदयपुर, ये तो राजस्थान में, और उदयपुर कहां है? उदयपुर ये मध्य प्रदेश में, MP, ठीक है ना, दोनों अलग अलग। तो ये किस पर हड़प नीति लगाई थी? उदयपुर मध्य प्रदेश वाले। ओके, आगे देखते हैं। नंबर 5 उदयपुर, झांसी, उदयपुर एक और भी था इसमें, बघाट पंजाब में, बघाट लिख देते हैं पहले, बघाट कहीं पर बुक में बघाट उसमें भी लिखा हुआ है, उड़ीसा में नहीं, पंजाब में था। तो इस पर भी हड़प नीति लगाई पंजाब, ये कहां था? पंजाब वाले, बघाट पर। बघाट के बाद में नंबर 6 आ जाएगा इसमें, 6, 7 एंड 8, ये 8 राज्य थे। फिर क्या? झांसी कहां? यूपी, उत्तर प्रदेश। फिर आ जाएगा नागपुर कहां पर है? नागपुर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और उसके बाद में आ जाएगा अवध तो उत्तर प्रदेश का नाम ही है, यूपी, है ना। सन 1856 में इसको हड़पा गया था, है ना। तो इन पर कुप्रशासन का आरोप लगाया। कुप्रशासन क्या होता है? जैसे मिस एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर जो नियम अंग्रेजों ने बनाए थे, यानी कि संवैधानिक तरीके से सरकारें नहीं चलाई गई, या तो अल्पवयस्क को सौंप दिया गया, या वहां का नवाब एक दत्तक पुत्र को बना दिया गया जबकि वो अलाउ नहीं था, तीसरे नंबर की स्टेट में आते थे।
तो इन पर क्या लगाया, कुप्रशासन का आरोप, कुप्रशासन ये आरोप ये लगाया गया था, जो यूपी में लगाया गया अवध में। अवध में एक अंग्रेज अधिकारी थे आउस्ट्रम, आउस्ट्रम की झूठी रिपोर्ट के आधार पर, अंग्रेज अधिकारी का नाम आउस्ट्रम, आउस्ट्रम अधिकारी, आउस्ट्रम अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर इसने झूठी रिपोर्ट तैयार की, तो यहां पर आरोप लगाया गया। फिर जो नवाब था, नवाब से तो युद्ध किया गया, जो अंतिम नवाब कौन हुआ यहाँ का, अंतिम वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, ये हमने अवध वाले राज्य में पढ़ा था। और इसका एक अल्पवयस्क पुत्र था नवाब का पुत्र, उसका नाम था बिरजिस कादिर। क्या नाम था? बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर। इसकी जो माता थी, या कहिए नवाब वाजिद अली शाह की विधवा, उसका नाम था ये बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, हजरत महल, ये इसकी संरक्षिका बनी थी, इसे नवाब बनाना चाहती थी, लेकिन आउस्ट्रम की झूठी रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाया गया और उसे पद से अपदस्थ किया गया फिर नवाब से। ओके, तो इसमें आपको यही क्रम याद रखना है, पहले कौन थे, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, बघाट, बघाट आपको कहाँ बताया, पंजाब, फिर झांसी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, झांसी और नागपुर, झांसी और यहाँ पर आ जाएगा नागपुर, नागपुर और नागपुर के बाद में अवध, अवध ये उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो आपको इसके नाम ऐसे याद रखने सीरियल से। तो ये हड़प नीति के तहत इनको हड़पा गया था कुप्रशासन का आरोप लगाकर, और इसमें आउस्ट्रम ने झूठी रिपोर्ट तैयार की थी कि जो संवैधानिक तरीके से वहां पर नियम लागू नहीं किया गया जो अवध में होना चाहिए था, वहां अल्पवयस्क को बना दिया गया और उस पर लेक्स लोकी कानून लगाया गया, बिरजिस कादिर को बनाना चाहते थे जबकि अंग्रेज ने इसको नकारा। ठीक है काका जी, फिलहाल आया समझ, आगे बढ़ते हैं फिर। और देखिए एक विलय की नीति के तहत किस किस को मिला गया, विलय, विलय की नीति इसमें नंबर एक, दो, एक सिक्किम को इसमें मिला गया, सिक्किम, सिक्किम कहां पर आता है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का जिला एक सिक्किम, चाय के लिए प्रसिद्ध है, ये विलय की नीति के तहत इसमें शामिल किया गया सन 1850 में। और एक इसमें किया गया था पंजाब, सिक्किम और पंजाब, पंजाब, पंजाब इन 1852। एक इसने युद्ध भी किया था, अगर एक देखा जाए इसका युद्ध कौन सा था, आंगला बर्मा युद्ध, आंगला बर्मा युद्ध, आंगला बर्मा युद्ध, आंगला बर्मा युद्ध, ये कब हुआ, 1852, ये दूसरा हुआ था, सेकंड, द्वितीय आंगला बर्मा युद्ध। इसमें यहां पर पेंगू का एक क्षेत्र आएगा, पेंगू, पेंगू, पेंगू और बर्मा इनको मिला गया पेंगू के क्षेत्र को। हाँ जी, सिक्किम में तो बाद में अलग बना था, सिक्किम का जो क्षेत्र था वो पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था इन 1850 में, है ना, सन 1850 में 52 पंजाब को मिलाया गया। और युद्ध आंगला सेकंड बर्मा युद्ध ये 1852 में, इसमें पेंगू के क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, ये इसकी ये विशेषता। एक तो हड़प नीति और विलय की नीति के तहत इनको, इन्हें हड़प नीति के तहत नहीं माना जाएगा, एनेक्सेशन थ्योरी में सबसे पहला तो कौन सा, सतारा, सतारा कहाँ है, और महाराष्ट्र, तो विलय की नीति। अच्छा, हमने क्या क्या अब तक विशेषता पढ़ी, एक तो सबसे कम आयु के गवर्नर जनरल, सबसे कम आयु में 36 वर्ष, 36 ईयर, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो हम ऑप्शन फील्ड लगाएंगे, विलय जली, विलय जली की आयु कितनी, 37 ईयर्स। और ये हड़प नीति के तहत हड़पे गए थे ये 8 राज्य, और जो ये 2 या 3 राज्य थे इसमें पेंगू का क्षेत्र, ये विलय की नीति के तहत, बल्कि अफगानिस्तान के साथ में एक युद्ध किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, अन्य कार्य, जो अन्य उपलब्धियां थी, अन्य उपलब्धियां, अचीवमेंट्स क्या थे अन्य, ये देखते हैं। एक तो अच्छे कार्य इसने किए थे, रेलवे का चलन सन 1853 में यहाँ पर पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के बीच में, 16 अप्रैल सन 1853 है ना, 53 में इसमें पहली रेलगाड़ी, और एक तार का बेतार, जो टेलीफोनिक वार्ता हुई थी, है ना, तो तार का बेतार की शुरुआत,
या टेलीफोन पर बात हुई थी, और एक डाक विभाग की व्यवस्था की गई थी, एक सेकेंडरी कैपिटल बनाया गया था इंडिया की शिमला को, एक तो क्या रेलवे, रेलवे का चलन। ये कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल सन 1853। पहली रेलवे कहां चली थी? मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच, थाने के बीच। ये 34 किलोमीटर लंबी, 34 किलोमीटर या 35 किलोमीटर की इसने यात्रा अपनी कंप्लीट की थी। ये भारत की पहली रेलवे, ठीक है। सेकंड इसने जो कार्य किए थे, तार का बेतार या टेलीफोनिक वार्ता, टेलीफोनिक तार का, इसको टेलीग्राम भी बोल सकते हैं, टेलीग्राफ या टेलीग्राम, इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, ये टेलीफोन है ना। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो दिल्ली में एक मरते हुए भारतीय सैनिक ने कहा था, इस तार ने हमारा गला घोट दिया। जब वो काफिला चला था ना मेरठ से दिल्ली के लिए, तो वहाँ पहले इन्फॉर्म कर दिया गया फोन के माध्यम से, यहाँ से क्रांतिकारी चले हैं और दिल्ली में आतंक मचाएंगे। तो वहाँ कुछ सैनिकों को मारे गए, तार से मतलब ये नहीं कि तार लाए गले में लपेट कर तो मार दिया। कोट भाषा में ये था कि पहले फोन कर दिया गया यहाँ पर, तो जो तार होते थे ना पहले, उनको लोग ये समझते थे कि इनसे ही इन्फॉर्मेशन मिली है। हालांकि आज भी वही सिद्धांत होता है, बस अब उसमें क्या होती हैं, सूक्ष्म तरंगे होती हैं। ठीक है, अविष्कार इसने किया, ये चलन किया। नंबर तीन, एक डाक विभाग स्थापना, डाक विभाग आरंभ किया गया। इसमें एक डाक टिकट, 2 पैसे प्रति डाक के लिए हम कहीं भी भेज सकते थे उसे, डाक टिकट जारी किया। इसकी कीमत क्या थी? 2 पैसे, 2 पैसे प्रति पत्र, पत्र पर 2 पैसे का एक टिकट लगाएंगे, इसे किसी भी स्थान पर भेज सकते थे। अच्छा, ये क्या किया डलहौजी ने? पीडब्ल्यू डी की स्थापना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या क्या कहेंगे इसको, लोक निर्माण विभाग की स्थापना, लोक निर्माण विभाग किसने किया था, जिसको पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी कहते हैं। इसका क्या होता है, जो सरकारी रास्ते या स्थान होते हैं, बिल्डिंग इमारतें होती हैं, उन सब का निर्माण करना। अच्छा, आगे देखते हैं, ये नोट करते रहिए आप साथ साथ, और अन्य कार्य देखिए। नंबर 5, एक शिक्षा विभाग बनाया इसने, शिक्षा विभाग। भारत में 3 विश्वविद्यालय के लिए एक कानून पारित किया था, जिसको हम चार्ल्स वुड का डिस्पैच बोलते हैं, या भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा, चार्ल्स वुड का डिस्पैच या घोषणा पत्र सन 1854। इसके अंतर्गत 3 विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, तो क्या बनाए जाएंगे, विश्वविद्यालय। कितने बनेंगे? 3। 3 कौन कौन से विश्वविद्यालय? एक तो बनाया जाएगा कलकत्ता, एक मुंबई और एक मद्रास में बनाया जाएगा, मद्रास। लेकिन जब ये बनकर तैयार हुए थे, वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुए थे। इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स वुड के डिस्पैच को, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जिसमें 3 विश्वविद्यालय बनने थे। क्या कहते हैं इसको, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ये था, ये इसी के लिए बोला जाता है। एक इसने राजधानी अपनी क्या बनाई, शिमला को अपनी सेकेंडरी काम राजधानी, भारत की द्वितीयक राजधानी क्या थी, शिमला। ये शिमला को बनाया गया। एक आयुध डिपो भी बनाया, जिसमें एक अगर देखें तोपखाने का जो केंद्र बना वो मेरठ को बनाया गया, और सैनिकों का जो मुख्यालय बना वो शिमला को बनाया। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी, ये समर कैपिटल या सेकेंडरी, ये तो ग्रीष्मकालीन राजधानी भी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी
बनाई गई। दूसरा ये क्या कार्य किया, दो केंद्र बनाए गए, एक तो आयुध केंद्र, आयुध आयुध या कहिए इसमें तोपखाना, तोपखाने का जो केंद्र बनाया गया ये मेरठ को बनाया गया, मेरठ देखना मेरठ है ना, एक मेरठ कैंट, मेरठ कैंट सी ए एन टी टी कैंट, कैंट की फुल फॉर्म होती है कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट का मतलब छावनी, जहां पर हम अपना गोला बारूद रखते हैं, जखीरा रखते हैं जहां, अच्छा आयुध। और एक सैनिक केंद्र बनाया गया, सेना केंद्र, सैनिकों के लिए जो केंद्र बनाया गया शिमला में ही बनाया गया, शिमला। तो शिमला दो आंसर हुए, एक तो सेकेंडरी कैपिटल ऑफ इंडिया या ग्रीष्मकालीन राजधानी डलहौजी ने बनाई, एक सेना का केंद्र बनाया गया शिमला को, और एक तोपखाने का केंद्र मेरठ को बनाया गया, ये इसी ने कार्य किया। अच्छा और अन्य कार्य क्या थे, एक शिक्षा विभाग बनाया गया ना, लोक निर्माण विभाग, लोक शिक्षा विभाग, तीन विश्वविद्यालय बने, और क्या किया था कार्य, तो बस ये सभी कार्य हैं इसके, है ना, तो सबसे कमाई, हाँ जी और क्या, बस ये कार्य है मेरे ख्याल से। चार्ल्स वुड का डिस्पैच, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट। अच्छा इसके बाद यहाँ पर कौन आएगा फिर, लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था, उसमें एक घोषणा पत्र पढ़ाया गया था, खैर उसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ये डलहौजी के बारे में जितने कुछ क्वेश्चन संभावित बनते हैं उन सबको हमने डिटेल में आपको समझाया है, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा, फिर मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। ओके थैंक यू।